बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अपने कमरे को ना रेडी कर रहा हूँ स्टूडियो के लिए। मैंने पेंट वगैरह तो कर लिया था, अब चीज़ें रह गई हैं, एक तो रह गया क्लीन वगैरह, और एक और चीज़ बताऊँ आपको, मिरर वगैरह की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब भी अपनी शक्ल देखनी होती है ना मैंने, मुझे नीचे जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने कमरे में मिरर वगैरह सेट करूँ और कमरे को एकदम टोरी मॉल बना दूँ। ये देखो पेंट वगैरह तो पहले ही हुआ पड़ा है, बस यहाँ मिरर लगेगा, ये चार पाई उठा देंगे, यहाँ क्लीन वगैरह भी छा देंगे, फिर हमारा कमरा हो जाएगा एकदम नया। और ये पर्दा वगैरह दरवाजों वगैरह का ऑर्डर कर दिया, बस वो भी अन करीब जब बन जाएंगे ना हफ्ते डेढ़ तक, वो भी ला के लगवा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ ना हम पर्दा वगैरह लगवा लेंगे, चलते हैं बाजार की तरफ, जाके जो मिरर वाले अंकल है ना उनसे पता करके आते हैं कि शीशा क्या रेट है, किस तरह मिल रहा है, तो कुछ करते हैं फिर हिसाब किताब, और क्लीन का भी पता करते हैं। चलते हैं बाजार की तरफ। अभी मैं जाने लगा था बाजार की तरफ और देखा कि बाइक पंचर, वैसे तो नहीं लग रही, ये देखो पंचर हुई पड़ी है, आखिरी बाइक की बाइक निकालते हैं, चलते हैं बाजार की तरफ बाइक लेके, और जाके जो शॉप से हमने सारी पता करते हैं, और गंदगी देखें कितनी फैली हुई है, इन्हें भी साफ करना पड़ेगा। ये बंदा रखा है स्पेशल मैंने अपने लिए, मतलब समझे जैसे इंसान के साथ घर में होते ना सफाई वगैरह करने वाले, मैंने अपने साथ रखा हुआ ताकि कभी भी किसी चीज़ की सफाई करनी पड़ जाएगी, समझे जैसे इसे बॉडीगार्ड कहता हूँ, ये बॉडीगार्ड नहीं है, ऐसे ही बस रखा हुआ है, नाम मैंने मतलब कोई नाम नहीं था आ रहा मुझे, तो मैं इसलिए ना इसे बॉडीगार्ड कहने लग गया। वैसे हसीब भाई है ना, हसीब भाई साफ़ सुथराई और मेरी हेल्प करते हैं, सारा दिन मेरे साथ ही होते हैं। चलते हैं बाजार की तरफ और जा जो चीज़ें हैं वो पता करते हैं। अभी मैं आया हूँ अल्बर्टा स्वीट पैकर, अम्मी जी को ना मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें देनी चाहिए, मतलब कि काफ़ी दिन हो गए हैं अम्मी जी को कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फ्रूट चाट लेके चलता हूँ, जाके पहले अम्मी को खिलाते हैं फिर कहीं और निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक प्लेट फ्रूट चाट थी? एक प्लेट फ्रूट चाट यार, अंदर रात ठीक है भाई, एक प्लेट फ्रूट चाट, नहीं नहीं पैक जी, यहाँ फ्रूट चाट ऑर्डर किया, वो लेके चलते हैं जाके अम्मी जी को पकड़ाते हैं, अम्मी जी भी क्या कहेंगे कि बेटे कैसे हैं, पूछते नहीं सुलह ही मारते, तो इसलिए ना अम्मी जी को भी मगर घर वालों को पूछना चाहिए खाने पीने के बारे में। फ्रूट चाट हमने ले लिया है, मैंने सोचा था सब पहले ना सारी चीज़ों का पता कर लें फिर वापस जाते वक्त हम ले चलेंगे अम्मी जी के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं पहले अम्मी जी को करा लेते हैं, बाद में काम करेंगे ताकि हमारे काम अच्छे से जाएं, घर वालों की दुआएं हमारे साथ हो। घर वापस आ गया हूं फ्रूट चाट लेकर, रास्ते में आके बाइक नहीं शुक्रिया मिस्टर यार, आके नहीं भाई नहीं, मैं स्पेशल अम्मी जी के लिए लेके आया हूं, मैंने सोचा अम्मी जी को खुश कर दे, आपने तो कुछ ला के खिलाना नहीं, अम्मी जी को मैं ही कुछ ला के खिला देता हूँ, बहुत बेशर्म बड़े भाई हो आप, आपको चाहिए होगा अम्मी जी को कुछ चीजें ला के दें, लेकिन नहीं बड़ा भाई कैसे, अम्मी जी को जाके ना कराते हैं। अम्मी जी ये लें फ्रूट चाट आपके लिए, स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ मैं, मैंने सोचा बड़ा भाई तो आपको कोई चीज़ ला के देता नहीं तो मैं ही ला देता हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ फिर, जो मैंने दो तीन अम्मी घर की चीज़ें लेनी है वो मिरर वगैरह और जो क्लीन का वगैरह पता करने जा रहा हूँ, करो चलो भाई चलते हैं, इसीलिए अगर मैं नाना ला के दिए होते तो अम्मी जी ने कहना था अभी सब्र करो बाद में ले लेंगे, लेकिन ये होता है फायदा घर वालों की चीज़ें ला के देने का। हाँ जी चलते हैं बाजार की तरफ, जैसा कि आपने देख लिया होगा अम्मी जी ने हाँ कह दी, वैसे मैं कहता तो अम्मी जी शायद ना कह देती, लेकिन देखो अम्मी जी को मैंने फ्रूट चाट ला के दी, घर वालों को खुश रखे तो घर वाले भी आपको खुश रखते हैं, घर वालों की बात माना करो, अगर घर वालों की बात मानी घर वालों को चीज़ ला के दिया करो, उनकी बात माना। अब देखो अभी चलते हैं बाजार की तरफ और अम्मी जी ने इजाज़त तो दे दी है, जाके मैं कमरे में क्लीन और मिरर दोनों लगवा दे, क्योंकि मुझसे बार बार नीचे नहीं आया जाता, मैं स्टूडियो बना रहा हूँ अच्छा सा करके, चलते हैं आप फिर मिरर वाली शॉप पे आ गए हैं, जहाँ से पता करते हैं मिरर क्या रेट है, क्योंकि फुट के हिसाब से मिलता है, यहाँ से अच्छे वाले मिरर रखने को पता करते हैं। ये देखो ये हैं इतने बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं, इनमें से कोई अच्छे वाला जो है ना वो पता करते हैं जिसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता हो। हाँ ये देखो, अस्सलाम वालेकुम भाई, मिरर क्या रेट है, जो मोटे वाला अच्छे वाला मिरर होता है वो क्या, ठीक है ठीक है, आप लगा के भी खुद ही देंगे कि वो लगा कर देंगे उसके चार्जेस अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ भाई से बात करते हैं, देख चलते हैं घर की तरफ, शीशा भी और भाई को भी ला दी है हमारे घर में ना मिरर वगैरह लगा सके, यहाँ से मिरर का पता कर लिया, काफ़ी अच्छे वाला मिरर मिल गया हमें, भाई कह रहे हैं कि जो भाई लगाने वाले हैं ना वो थोड़ी काम गए हैं कहीं और मिरर लगाने गए हैं, वो मिरर लगा के आते हैं ना तो तब आपको लगा देंगे, अभी फिलहाल हम जा क्लीन का पता कर रहे थे, तब तक भाई भी फ्री हो जाएंगे, जो मिरर लगाने गए ना वो भी आ जाएंगे, फिर उन्हें लेके चलेंगे अपने घर, वहाँ अपना मिरर लगवाएंगे।
जाके क्लीन का पहले पता कर लें। और भी दो तीन चीज़ें हैं जैसे कि पर्दा वगैरह लगाने वाले वो जो वो क्लिप वगैरह लेने हैं वो भी अभी पता करते हैं, चलते हैं। यहाँ शॉप पे आ गए हैं जहाँ से हमें क्लीन वगैरह मिलेंगे, पता करते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। चैनल है ना तो इसलिए थोड़ा सी व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा कौन सा चैनल है बेटा? बेला जाट। क्या बना रहे हो मुझे बताओ, समझाओ। मैं आवाम को बता रहा हूँ कि मैं आज हर रोज क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मैं इस शॉप पे गया, वहाँ से ये चीज ली, मैं अपने घर को सजा रहा हूँ, ये चीजें बताता हूँ। तो हाँ जी, वो क्लीन वगैरह थोड़े से दिखा दें। ठीक है, यहाँ देखे काफी सारे क्लीन पड़े हैं। देखो और यहाँ से देखते हैं कोई अच्छा सा पसंद करते हैं क्लीन। ये मतलब ये 70 रुपीज है पर स्क्वायर फुट बेटा। ठीक है, और वो 170 है। ठीक है, हाँ जी ये वाले। ठीक है बेटा, अच्छे वाले। हाँ जी ये 170 है। ठीक है बेटा, अगर 10x12x12 का ले तो क्या रेट बनेगा इसका? ठीक है जी। और ये क्लीन देखे कसम से क्या क्लीन है वो, चेक कर यार सच्ची। ये भी अच्छे हैं, मतलब ये देख। वैसे हम उस तरह का लेंगे जो जल्दी मतलब मैल वगैरह भी ना हो और काफी देर निकल जाए और अच्छा सा। ठीक है, तो यहाँ से और भी पता करते हैं और आकिब भाई से भी कॉल करके पूछते हैं कौन सा क्लीन लें कौन सा नहीं, तो उन्हें बताते हैं, फिर पूछते हैं उनसे, मलमा लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनल करते हैं कौन सा क्लीन लेना है। यहाँ से काफ़ी सारे क्लीन देखे हैं तो अंकल जी कह रहे हैं आपकी खिदमत भी तुम करें। मैंने कहा नहीं अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बस क्लीन दिखा दें इतना ही बहुत है। तो अभी मैट्रेस वगैरह भी पड़े हैं लेकिन अभी फिलहाल हमें क्लीन ही फिलहाल चाहिए अभी, तो क्लीन का देखना था। तो ये पूछ लिया भाई से, आकिब भाई से पूछते हैं क्योंकि उन्होंने ही फाइनल करना है कौन सा कलर अच्छा रहेगा, तो उनसे भी बात करते हैं फिर क्या करना है, जाके पूछते हैं उनसे। यहाँ अंकल के पास बैठे हैं, अंकल जी कह रहे हैं नहीं बैठो आप चाय वगैरह पूछें। बिल्कुल, लेकिन नहीं हमें थोड़ी जल्दी है क्योंकि वो शीशे वाले भाई वो भी रेडी होंगे, उसके अलावा जो हमने और भी चीजें लेनी है। अंकल हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप आए हमारे पास, हमारा दिल जीता और अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा तरक्की दे। आमीन आमीन। अंकल बहुत अच्छे अंकल, बहुत खिदमत कर रहे हैं। अभी चलते हैं घर वापस, जाके आकिब भाई को बताते हैं कि ये वाले क्लीन मिल रहे हैं। और वैसे क्लीन हमने लिया 12x12 का, 10,000 का बन रहा है। तो चलते हैं घर, घर जाके पूछते हैं क्या करना है फिर आगे। अब यहाँ हार्डवेयर वाली शॉप पे आ गए हैं, यहाँ से थोड़े क्लिप वगैरह लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस तरह के नहीं यार क्लिप वगैरह देना। हाँ जी इस तरह जी, यहाँ से क्लिप लेते हैं। और इसके अलावा और हमने लेनी इस तरह की ये दो तीन कुंडियाँ, वो अपनी टेबल को लगाने वाली हैं। वो मेरे टेबल की ना इस तरह की ये टूटी हुई हैं, ये लेनी है। कौन टेबल? अच्छा ये वाला नहीं, टेबल जो हमारा। हाँ यहाँ से देखते हैं कोई इस तरह की किलियाँ वगैरह, वो भी लेके चलते हैं जाके ना, जो मेरा काउंटर पड़ा ना कंप्यूटर वाला उसके ऊपर लगानी है, उसकी किलियाँ वगैरह उखड़ी हुई हैं, चलते हैं लेके। इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो जो शीशा लगाने वाले भाई आने ना, वो खुद जब शीशा लगाएंगे तो उनसे ये भी लगवा लेंगे, ताकि उनके पास ड्रिल वगैरह होगी तो हथौड़ी वगैरह स्किल से लगाएंगे ना, वो सारा सीमेंट वगैरह उखाड़ देगी। इसलिए ये हमने क्लिप लिए हैं और जो पाइप इसमें डलेगा ना वो घर में पड़ा है, ये दो लिए हैं काउंटर को लगाने के लिए। जो हमने हार्डवेयर वाली शॉप से जो सामान लेना था तो वो हमने ले लिया। अब चलते हैं जाके मिरर वाली शॉप है, वहाँ से भाई को पूछते हैं भाई फ्री हुए हैं कि नहीं, अगर फ्री हो गए तो ठीक है, नहीं फ्री हुए तो फिर थोड़ी देर बाद चक्कर लगा लेंगे। मिरर वाली शॉप पर दोबारा आ गए हैं और भाई जान, भाई फ्री हो गए हैं, आ गए वापस। ठीक है फिर मिरर दे के भेज दें। और मिरर का साइज पता जी भाई? अभी साइज मतलब नापने लगे हैं कोई, यहाँ तो कटाई में पहले पड़ा होगा, यहाँ फिर यहाँ से काटेंगे। यहीं से काटना पड़ रहा है फिर भाई ने ये मिरर के निशान लगा दिए हैं, देखो इतना होगा ये मिरर, इतना काटेंगे भाई। तो ये वाला मिरर भी काटते हैं फिर भाई को साथ लेके चलते हैं घर। अब ये देखना भाई मिरर कैसे काटते हैं, मैं पहली बार देखने लगा हूँ किसी को मिरर काटते। पानी लगाया पहले सारी, और इसके बाद ये पता नहीं कौन सा टूल है, और इसे चलो कट गया बस इतनी जल्दी।
इसे आप एक बार और काटेंगे, उसके बाद फिर ये छोटा पीस नीचे वाला पीस लेके चलेंगे। हाँ ये नीचे रहो, ये कट के अपना पीस जो हमने लेके जाना है बस जल्दी ले चलते हैं घर की तरफ। मैंने बोला है कि मिरर आपको मतलब आदमी साथ लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ना इस वाले बाइक को पहले घर उतार के आना पड़ेगा, क्योंकि तीन लोग अगर जाएंगे ना तो मिरर रास्ते में ऐसे ही टूट जाएगा ज़्यादा, तो बाइक को ये तीन से तो बैक पेन तंग होकर बैठेंगे ना, इसलिए पहले इस बाइक को घर छोड़ के आऊँगा, उसके बाद फिर जो मिरर वाले भाई है ना जिन्होंने मिरर लगाना है उन्हें लेने आऊँगा, मिरर लेके फिर घर जाएंगे, फिर वहाँ मिरर लगाएंगे। चलते हैं पहले बाइक को छोड़ के आते हैं घर, यहाँ रास्ते में ठहरा है, यहाँ से ना पहले पेट्रोल वगैरह डलवा लें, क्योंकि आपकी बाइक बाइक चलाना ही आसान है और पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल काम है। अब पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, जब भी जाता हूँ ना, जब भी जाता हूँ कहीं पे आपकी बाइक की बाइक में जहाँ आते वक्त या जाते वक्त ना पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर रास्ते में डलवाना पड़ता है। अब बाइक से पेट्रोल डलवा लिया, चलते हैं घर की तरफ। घर वापस आ गए हैं, इस बाइक को ना उतार दिया, ये सारा सामान ना छत पर लेके चले जाओ। आकी भाई, आकी भाई होश हो, मैंने लगा तुझे होश नहीं आया, मैं तेन होश लिया ना फिर मैं मेरा डल भाई लैके आया, वो आंदा सी पहले इन्हें छड़ गया, क्योंकि तीन बंदे आप इकट्ठे गए तो शीशा टूट जाना। हाँ मेरे तो पता कर लिया, नौ लैन चला ना मेरे वाले इन्हू छड़न आया सा, मैं वो भाई ने आखे तीन जने आवे ना मेरा टूट जाएगा, तो इस वास्ते इस भाई घर ला के लाना क्या मैं हार्डवेयर वाली शॉप पे चले गए रबड़े वगैरह लेने, जिसके जरिए हमने मिरर वगैरह लगाना है, तो यही अकड़ा पड़ा हूँ मैं भाई। आते हैं फिर घर की तरफ चलते हैं, और अभी तो क्लीन का भी पता करना है, तो उसका भी कुछ देखते हैं, करवा पूछते हैं क्लीन लगाना है, और एक शीटें वगैरह भी मिलती हैं जो नीचे लग जाती हैं कमरे के नीचे और दीवारों पे भी, उनका भी पता करते हैं। क्लीन लगे ना, क्लीन हमें धोना पड़ेगा, जो वो शीट होती है ना वो साफ़ कर ले, झाड़ू से ही साफ़ हो जाती है, काफ़ी अच्छी रहती है और प्यारी भी लगती है। तो घर वालों से बात करते हैं कि शीट लगा लें, तो देखते हैं घर वालों से जाकर बात करते हैं शीट लगानी है या फिर भाई अपने क्लीन वगैरह बिछाना है, तो वो घर वाले डिसाइड करेंगे। मिरर लेके घर आ गए, चलो आके भाई जगह बताओ कहाँ पर लगाएँ, छत पर चलते हैं जाके ना देखते हैं कुछ जगह जहाँ पे हमने मिरर लगाने हैं। काफ़ी भारी हो यहाँ पे लगेगा मिरर, और ये कमरा हमारा सारा, तो आकिब भाई कह रहे हैं यहाँ पे लगाएं, वहाँ पे टूटी वगैरह लगे, वहाँ सिंक लग जाएगा साथ ही। सुबह उठते ही हाँ उठे मुँह हाथ धोया, हाँ कंडीशन की, और फिर बाइक ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर से। मैंने और भी भाई दो तीन क्लिप लगवाने हैं, लगा देंगे जो हम लेके आए ना पर्दे वगैरह लगाने के लिए, वो भी लगवाएंगे भाई से। अगर मिरर को उतार के भाई कोई और जगह पे लगाना हुआ तो ये फिर सारे उखाड़ के लगाना पड़ेगा, कोई इस तरह का तरीका नहीं है मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख लें, लेकिन सुराख तो वैसे ही रहेंगे ना, तो फिर वो कोई नहीं पैरस लगा लें की पैरस लगा लेना पैरस। हाँ ये तो है, कारीगर बंदे हैं क्या चीज़ नहीं पता, हर काम कर लेते हैं। फिर व्लॉग वगैरह बनाए करेंगे सारा दिन, यहीं अपना काम पूरा कमरा सेट करना टेंशन, अभी तो नीचे वो क्लीन आके मैं सोच रहा हूँ शीट लगाते हैं क्लीन की जगह, पता नहीं मानता कि नहीं। भाई से बात तो कर रहा हूँ, अभी घर वालों से बात करता हूँ, क्लीन की बजाय शीट बेहतर रहेगी, तो देखते हैं क्लीन लगाते हैं या शीट, दो ऑप्शन हैं तो ये एक तो लाजमी लगेगा ना, तो देखते हैं क्या लगता है। भाई मैं बोल रहा था हमारे घर में एक इंस्टाग्रामर है, तो वो ना शीशों के साथ काफ़ी पंगे लेता है, इस तरह लगाना कि गिरे ना टूटे ना, तो जोर जोर से सर मारे शीशे को फिर भी ना टूटे, टेंशन ठीक है, बस इसी बात की टेंशन थी, टेंशन क्लियर होगी, जो मर्जी करो शीशा नहीं टूटेगा। ये कौन सा, और ये आपके काफ़ी पुराना मोबाइल है ना, हम यूज़ करते थे। ये भाई शीशा लग गया हमारे, देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है कमरा, अब भी शीशे में तो अलहदा ही मज़ा ना। और इसके अलावा ओए भाई कहाँ रखे हैं वो जो लेके आए थे क्लिप वगैरह से, कहाँ पे नीचे ये भाई ये दो क्लिप लगाने हैं,
वो यार वो पर्दा लगाने वाले क्लिप, ये वाले नहीं, ये पर्दा कहाँ पे लगाना है? यहाँ दरवाजे के सामने ऊपर लगाने हैं, बड़े पर्दे लगाने, बड़ा पर्दा ही लगाना है, लेकिन ये लगाएंगे तो पर्दा लगेगा ना, तो मैं पर्दा निकाल के लेके आता हूँ, वो साइज चेक कर ले फिर। चलो ठीक है फिर, मिरर हमने लगवा लिया दरवाजों के ऊपर, जो पर्दे लगाते हैं ना वो लगवाने थे, भाई कह रहे हैं थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि उन्होंने आगे काम पे जाना है, इस वजह से ना आज हमें पर्दे वाले क्लिप नहीं लगा के देंगे, इंशाल्लाह कल को लगा देंगे, कल दोबारा आएंगे भाई। फिर अभी चलते हैं जाके इन्हें छोड़ के आते हैं फिर वापस दुकान पे। सामने ऐसे इंट्रो थे, ये मेरा सब कुछ सेटअप पड़ा और सामने शीशा, और इसके अलावा वो टूटी लगी ना वहां पे हम सिंक लगाएंगे ना, सिंक ही होता है ना बेसन, हाँ मुझे शक पड़ रहा था, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो इसलिए कन्फर्म किया। चलते हैं बाहर जा के बाइक को छोड़ के आते हैं फिर बाइक पे। मिरर वाली शॉप पे बाइक को उतार दिया और बस ना एक काम रह गया, बाइक को पैसे देने थे, हम एटीएम पे गए हैं, एटीएम बंद था, और भाई देखो कितने अच्छे होते हैं, बोले आप जाओ और पैसे निकलवा के ना वापस ले जाओ, अब मेरा दिल नहीं करा वापस जाने को, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं घर का पता था ना उन्हें, इसलिए हाँ इसीलिए अब जा रहे हैं एटीएम, एटीएम जाके पैसे निकलवा के यहाँ पकड़ा के फिर घर वापस चलते हैं। एटीएम आ गए हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं फिर दुकान वाले जो भाइयों ने पैसे वगैरह पे करके, अब आ गए वापस घर। वापस घर आके आकिब भाई से मैंने बात की, आकिब भाई कह रहे हैं कि मैं फिलहाल अम्मी जी को ना पक्का कर लूँ, मना लूँ उन्हें कि क्लीन ही लेके आना है या फिर वो चादर वगैरह जो शीट है वो लेके आनी है। वो भाई कह रहे हैं मैं खुद ही बात करूँगा, खुद ही जाके डिसाइड करके लेके आऊँगा, मुझे खुद ही मनाने दो घर वालों को, और ना अभी फिलहाल ये जो चीज़ें लगानी थी पर्दा वगैरह और वो नहीं लगाया, वो भाई कह रहे हैं कि सुबह लगाएंगे, और आकिब भाई कह रहे हैं कि नए वाले पर्दे भी लेके आएंगे वो भी लगाएंगे, दरवाजे लगाने, कमरा एकदम नया कदम टेंशन नोट है, एकदम टकाटक हो जाएगा, नया कमरा हो जाएगा। इसके अलावा हम ये लेके आए थे ये यहाँ पे लगाने के लिए, ये हमारे टेबल के ना इधर लगाने के लिए ना, ये देखो ये लगा हुआ है, ये उखड़ा हुआ है एक, तो इसलिए ये लगाने के लिए लेके आए थे भाई, जल्दी जल्दी में चले गए, उन्होंने लगाया नहीं है तो ये हम खुद लगा लेंगे, जो दूसरी वहाँ लगाने ना पेज वगैरह जो पर्दा लगाने के लिए, वो इंशाल्लाह ताला भाई खुद ही इंशाल्लाह सुबह आके लगाएंगे या फिर किसी और अंकल से लगवा लेंगे। अभी फिलहाल ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले आदमी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह ताला सुबह ना लाजमी से हम क्लीन लगा लेंगे अगर भाई आकिब भाई ने अम्मी जी को मना लिया तो। हैं आकिब भाई, कोशिश तो करूंगा। और आकिब भाई कह रहे हैं बस इंशाल्लाह शाम को देख के आएंगे, चेक करके आएंगे क्लीन, तो और फिर फाइनल करेंगे लगाने के। तो अभी फिलहाल बाय बाय, टाटा।